नमस्कार, आज हम हरदा जिले के सोनतलाई गांव में हैं। आगे 5 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा यहां पर बह रही है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से परिचय करा रहे हैं, ये जो जैविक खेती के बारे में हम लोग सुनते तो रहते हैं, लेकिन जैविक खेती का आज पूरा वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं आप में श्री मनोज जी पटेल, अपने संघ के स्वयंसेवक हैं और 10 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। आप जो गेहूं देख रहे हैं, इनके पीछे हम जो गेहूं देख रहे हैं, ये गेहूं की प्रजाति का नाम है खपली गेहूं है, और ये खपली गेहूं के अंदर कोई भी खाद नहीं है, कोई भी यूरिया नहीं है, कोई कीटनाशक नहीं है। ये खपली गेहूं आप देख रहे हैं कितनी इसकी हाइट है, कोई कचरा नहीं, कोई इसके अंदर बीमारी नहीं है। तो मनोज जी, आप से हम बात करना चाहेंगे, ये जैविक खेती के बारे में थोड़ा हमारे किसानों को आप कुछ बताएंगे क्या? जैविक खेती भाई साहब, गऊ पालकर गऊ आधारित खेती कहते हैं इसको, जिसमें गाय के गोबर गोमूत्र से पूरा खाद बन डलता है। गोमूत्र में ही नीम के पत्ते, अगाव, धतूरे, करण, सीताफल, अरंडी, इनके पत्तों के द्वारा इनका कीटनाशक बनाया जाता है। तो धीरे धीरे सने सने 2-3 साल में मित्र कीटों की वापसी हो जाती है। तो मित्र कीट जब आप खेती में आ जाते हैं तो बीमारी 3-4 साल में अपने आप कंट्रोल हो जाती है। मेरे को 8 साल हो गए, मेरे खेत में कोई बीमारी नहीं। मधुमक्खी भी है मेरे खेत में, मकड़ी भी है, आपको ये केचुए भी मिलेंगे, मेंढक भी मिलेगी, हर प्रजाति के जो अपने जीव जंतु जमीन में रहते हैं आज की तारीख में मेरे पास सब है। अभी मनोज जी ने हमको बताया इस खेत के अंदर खपली जो प्रजाति का गेहूं है, इसके अंदर धना चना ये बोकर इसको तैयार किया, तो इसके बारे में कुछ किसानों को आप बताएं। ये चने का पौधा ये है, इसमें पर एकड़ 2 किलो चना, 2 किलो मेथी और 1 किलो धना मिक्स करके बोनी के साथ बोया जाता है इसको। तो इससे चने से नाइट्रोजन की पूर्ति है होती है, धने और मेथी से जो इसमें जो पूर्ति आपूर्ति होती है इनमें जो विटामिन्स की प्रोटीन्स की गेहूं में, तो वो उनकी जड़ों से जो हार्मोन निकलता है वो गेहूं की जड़ उठाती है, उसके कारण ये गेहूं में गुणवत्ता आ जाती है। दूसरी बात, अभी हमने आपसे चर्चा करी थोड़ी देर पहले, आपने बताया कि आपको कई प्रकार की बीमारी थी, डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर थी, शुगर थी, ये पूरी बीमारी आपने कैसे खत्म कर दी? ये बीमारी, ये जो गऊ आधारित मेरे जो खेत से उत्पन्न जो अनाज रहता वही खाता हूँ मैं। गऊ माता का दूध, घी, मही और गऊ माता की सेवा करता हूँ मैं 3 घंटे सवेरे और 1 घंटे शाम को। मेरा एक हिसाब से आप सोचो तो जिम ही वही है। मनोज जी ने बताया कि गऊ माता की सेवा कर करके इनका ब्लड प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी, ये सब बीमारी इनने ठीक कर ली। दूसरा, जो अनाज ये खा रहा है 10 साल से जैविक खेती ये हरदा जिले के सोनतलाई गांव में कर रहा है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 7 दिन का भी कृषकों का प्रार्थी वर्ग भी लगने वाला है। पूरे संघ के जो किसान हैं यहां पर विजिट करने वाले हैं, इस पूरी जैविक खेती के बारे में भी सीखने वाले हैं। और कौन कौन सी खेत के अंदर आपने प्रजाति बोई है गेहूं की? एक तो खपली हुई और दूसरी कौन सी है? ये पुरानी एक पिस्सी चलती थी, सफेद गेहूं, पुराना पिस्सी कहते लोग उसको। एक जलालिया गेहूं है, सरबती 306 है, उसके बाद बंसी है, ग्वाला गेहूं है जिसकी बाली काली रहती है, और एक वो काला गेहूं नया चला वो है। इस प्रकार 8-9 तरह की प्रजाति अपने पास हो गई है पुरानी। अभी आपने बताया एक बैक्टीरिया कौन सा वो लेकर आए हैं, कहाँ से आता है वो? वो अहमदाबाद में गोपाल जी सुतारिया जी की बंसी गिर गौशाला, उसमें वो देते हैं। फिर आप कास्ट 1 लीटर 200 लीटर ड्रम में डाल दो और उसमें 1 किलो गुड़ और 1 किलो मही देसी गौ माता के दूध का बना हुआ, तो वो 8 दिन में कम्प्लीट बैक्टीरिया हो जाता है। उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और 200 लीटर पर एकड़ आप पानी के साथ भी बहा सकते हैं। उसमें 46 प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो जमीन में आपूर्ति करते हैं पूरी पौधों को। मनोज जी ने बताया कि मनोज जी के खेत के अंदर अभी तक कोई भी यूरिया, कोई भी कीटनाशक, किसी भी प्रकार की दवाई इन्होंने नहीं डाली है। 10 सालों से खेती इनकी इसी प्रकार हो रही है, जैविक खेती हो रही है, और इसका रेट भी इनको दुगना तिगना मिल रहा है। ये बता रहा है खपली गेहूं कितना के रुपए? 100 रुपए किलो चलता है खपली गेहूं। और जो अन्य प्रजाति बताई आपने वो ये जलालिया, तो खैर अभी बीज का विलुप्त तो प्रजाति है ये, तो ये तो अभी 2 साल खाने में उपयोग, 2 साल तो बीज ही बीज में आना। इस साल तो मैं खुद बोऊंगा उसको 10-20 एकड़ में, और उसके बाद पूरा 45 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक का गेहूं है जिसको जो लेना। शुगर फ्री? हाँ, ये ग्लूटोन फ्री गेहूं है। हाँ, ये जो गेहूं दिख रहा है ये शुगर फ्री है, इसमें ग्लूटोन बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोग खाकर, जो लोग शुगर डॉक्टर मना करते हैं कि गेहूं से भी शुगर हो रही है लोगों को, लेकिन इस गेहूं को खाकर आपको कोई शुगर की बीमारी नहीं होगी। शुगर पेशेंट भी इस गेहूं को खा सकते हैं। तो मनोज जी, आपसे एक और सवाल है, जो किसान लोग अपने खेतों में यूरिया डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, उन किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब कहने को तो भाई साहब, 47 में देश आजाद हुआ और अंग्रेजों ने जो ले जाना था वो ले गए,
ये अंग्रेजों की नीति है, आज भी अपन कमा रहे हैं और ये ले जा रहे हैं। या आप जो रासायनिक दवाई, रासायनिक खाद और उसके बाद संशोधित बीज और इंसानी दवाई, ये चारों चीजें जो है ये अपन इनको कमा रहे हैं और ये कंपनियों को दे रहे हैं पैसा, तो ये पैसा पूरा बाहर जा रहा है और आज भी किसान मजदूरी कर रहा है अंग्रेजों की। आप गौ आधारित खेती करोगे, आपको बाजार से डीजल के अलावा कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं। मैं मात्र डीजल लेने जाता हूँ शहर, इसके अलावा और लेबर की मजदूरी देता हूँ, बस दो खर्चे हैं मेरे, इसके अलावा खेती कोई खर्चा नहीं। और इसके अलावा और जैविक खेती में क्या क्या कर रहे हैं, गेहूँ के अलावा और क्या क्या बोते हैं आप लोग साल भर में? गेहूँ के अलावा दाल करता हूँ मैं, उसके बाद चने हैं, अलसी है, मूंग है, हल्दी है, बगीचा लगा रखा है 3-4 एकड़ में। सब्जी वगैरह भी बोई है क्या आपने? सब्जी घर के लिए लगाता हूँ सब्जी, क्योंकि अभी उतने लोग पैसे नहीं देते हैं उसके, कम से कम मार्केट की सब्जी से डेवड़ा रेट मिले तो सब्जी हमारे को पूरा थी। हमने सुना आपने गौशाला भी बनाई है अपने खेत के अंदर? मेरे पास 60 गौवंश है, 60 गाय है। हाँ, छोटी बड़े सब उनके बच्चे अच्छे मिला के 60 है, और उनको मात्र में अभी फिलहाल तो सेवा भाव से उनका चल रहा है, उसमें गिर गाय के संवर्धन पे काम कर रहा हूँ। मनोज जी ने भी हमको बताया है कि यदि किसी को बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे कहीं कैंसर हो, चाहे वो थायराइड की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, मनोज जी ने कहा कि 1 महीने गौ माता की सेवा गौशाला में व्यक्ति आके कर ले, गौ माता की सेवा, गौमूत्र पी ले, उसकी पूरी चिंता कर ले, तो कोई भी बीमारी हो 1 महीने बाद किसी भी डॉक्टर को दिखा दे, किसी भी क्लिनिक पे दिखा दे, अपना ब्लड टेस्ट करा दे, सब प्रकार की बीमारियां ये गौ माता की सेवा से दूर होती है, जैसा मनोज जी ने हमको बताया। एक आष्टावे के अंदर भी संघ के स्वयंसेवक, उनको भी कैंसर हो गया था, गले में गठान उड़ गई थी, सब डॉक्टर ने मना कर दिया आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, आपको मरना ही पड़ेगा, कुछ दिनों को मेहमान है, लेकिन वो आष्टा के श्री भरती जो स्वयंसेवक थे उन्होंने गौ माता की सेवा करी और रोज गौमूत्र पिया, और गौमूत्र पीने से आज वो गौ माता को मानते हैं, गौ माता के गौमूत्र के कारण आज हमारे संघ के स्वयंसेवक की कैंसर की बीमारी ठीक हो गई है। वो संघ के अंदर घोष प्रमुख है, आष्टा सीहोर जिले के अंदर संघ के स्वयंसेवक है और आज वो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, जगह जगह गौमूत्र को वो बांटते हैं, गौमूत्र को देते हैं, कई लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं गौमूत्र के माध्यम से। और गोबर के माध्यम से एक महिला की डिलीवरी होने वाली थी, पेट में बच्चा फंस गया था, सब डॉक्टरों ने मना कर दिया, उन्होंने गौमूत्र और गोबर को मिलाकर उस महिला को पिलाया तो उस महिला की नॉर्मल डिलीवरी भी हुई। ऐसे भी हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाई है। और जैविक खेती करने वाले मनोज पटेल, हमने इनका भी साक्षात्कार लिया हरदा जिले के अंदर, बहुत लंबी चौड़ी खेती, कितनी एकड़ जमीन है आपकी? 80 एकड़ जमीन है, पूरी मध्य प्रदेश राज्य प्रमाणीकरण संस्था प्रमाणित है। 80 एकड़ जमीन है मनोज जी पटेल की, और पूरी 80 एकड़ जमीन के अंदर आप जैविक खेती कर रहे हैं, इसलिए किसान भाइयों आपसे निवेदन है, मनोज जी पटेल से कुछ सीखिए, संघ के स्वयंसेवक है, इन जैसा आप बनिए, प्रयास करिए, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर समस्या का हल निकलेगा, करो भरोसा अपने बल पर, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, इन्होंने मरुस्थल से जल निकाल के बताया है। जो लोग कहते हैं जैविक खेती से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आज मनोज पटेल बहुत बड़ा उदाहरण है अपने पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हरदा जिले के अंदर, इन्होंने जैविक खेती करके सिद्ध कर दिया है कि कीटनाशक का हमको अंत करना चाहिए, पेस्टिसाइड का अंत करना चाहिए, और यूरिया जो हमारे खेतों को बर्बाद कर रहा है, हमारी फसलों को, हमारे किसानों को मरने को मजबूर कर रहा है, हमारी जमीन को बंजर कर रहा है, इन जमीन को ठीक करने के लिए जैविक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ग्राम विकास जो हमारा गतिविधि बनी है वो यही काम कर रही है, गांव के विकास के लिए, ग्राम विकास के लिए, किसानों के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए जैविक खेती करें। अभी एक चर्चा का विषय पूरे विश्व के अंदर बना है, कोरोना वायरस जो फैल रहा है चीन के अंदर, हम सब जानते हैं आज चीन हमारे ऊपर देख रहा है कि चीन सोच रहा है कि भारत हमारी मदद करेगा, और हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कह दिया है गौमूत्र के माध्यम से, गाय की औषधि के माध्यम से हम कोरोना वायरस को खत्म कर सकते हैं। कोरोना वायरस चीन के अंदर जो मांसाहार बड़ा है वो चील कौए का मांस खा रहे हैं, चमगादड़ का सूप पी रहे हैं, कई प्रकार के सीड फूड खा रहे हैं और कई प्रकार के जलीय जीव जंतु को खा रहे हैं, सी फूड खाने के माध्यम से ये कोरोना वायरस पूरे चीन के अंदर फैला है, नरभक्षी वहां के लोग बन चुके हैं, और इसलिए आज वहां पर कम से कम 1100 से लेकर 1200 मौतें चीन के अंदर हो चुकी है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है इन सब वायरसों को खत्म कर सकता, भारत के अंदर कोई वायरस अभी तक फैल नहीं पाया, क्योंकि गौ माता की सेवा करने वाले लोग, जैविक खेती करने वाले लोग आज भी भारत के अंदर जिंदा है। इसलिए किसान भाइयों, ये हमारे मनोज पटेल जी को आज हमने आपसे मिलवाया, मनोज पटेल जी से आपको सीखिए, और आपसे निवेदन है आप सब जैविक खेती करिए, भारत माता की रक्षा करिए,
गौ माता की रक्षा करिए। और कुछ मनोज जी बोलना चाहेंगे? बंसी गेहूं भाई साहब ले गए लोगों ने खाने के लिए ले जाते हैं, तो पप्पू भाई जो लक्ष्मी नारायण जी गोरा है खाते गाँव में, तो वो 6 महीने से उस गेहूं को खा रहे हैं, तो वो अभी मेरे को शादी में मिले थे, तो उनका कहना है कि मेरी शुगर खत्म हो गई बंसी गेहूं से। तो देखिए बंसी प्रजाति का गेहूं, उससे शुगर पेशेंट भी ठीक हो रहा है, ब्लड प्रेशर तो और ये सत्य बात है। आज ये शुगर जो शक्कर खाने से नहीं हो रही है, ये अपना जो शरीर की जो पाचन क्रिया है उसकी गड़बड़ी के कारण सब बीमारियां। आपने शरीर की पाचन क्रिया सुधार ली, आपकी बीमारियों की मैं गारंटी देता हूं। तो पाचन क्रिया कैसे सुधार सकते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? पाचन क्रिया आप मानो रासायनिक खाद रासायनिक दवाई से जो उत्पन्न फल अनाज सब्जी जो खा रहे हैं, तो वो जब शरीर में डलती है, शरीर में जो जीवाणु रहते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उस कारण क्या है कि पाचन क्रिया अपनी धीरे धीरे सब खत्म हो जाती है। तो जैसे ही आप पुराने अपन अनाज डालते हैं, माने जो ताकत से भरपूर है, गौ माता के गोबर गोमूत्र से जिनमें उपयोग हुआ है, तो उनमें जो ताकत रहती है उसके कारण क्या है, पचता भी अच्छा है और शरीर को शक्ति देता है। उस कारण बीमारियां सने सने आपके शरीर से भाग जाएगी। ये मैंने खुद ने प्रैक्टिकल मेरे शरीर पे करा, क्योंकि आज मैं स्वस्थ हूं, नहीं तो मैं हर 1 महीने में इंदौर डॉक्टर के पास जाता था। तो हमें मनोज जी का पूरा खेत दिखाना चाहेंगे। ये पूरा मनोज जी का खेत है, 80 एकड़ का खेत है। चारों तरफ देखिए आप, जैविक खेती चल रही है, गौ माता यहाँ पर है, छोटी सी कुटी यहाँ पर बनी है, मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर बगीचा सब्जी भाजी की खेती हो रही है। 3 एकड़ में बगीचा भी इन्होंने बना के रखा है। 6 एकड़ में जाम की भी खेती करने वाले हैं, जाम फल की। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सब किसान भाइयों को जानकारी दी, संघ के सदस्यों को जानकारी दी। नमस्कार।